सब्सक्राइब करें द 117 यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द 117 में। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आप झारखंड में अपना नया बिजली का कनेक्शन कैसे ले सकते हो। जी दोस्तों, आप अपना नया बिजली का कनेक्शन ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर अपने दुकान के लिए या फिर कोई अदर पर्पस के लिए आप अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो आप रेड बटन देख रहे हो उसे आप प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारे जो झारखंड का बिजली वितरण निगम लिमिटेड का जो वेबसाइट है jbvnl.co.in, इस पे हमें जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता वेबसाइट तो आप डिस्क्रिप्शन में देखो, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। सबसे पहले इस वेबसाइट में आना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट का UI कुछ इस टाइप से है। आप देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ऊपर में चौथे नंबर पे एक ऑप्शन है कंज्यूमर सर्विसेज। यहाँ पर आप जैसे अपना कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है न्यू कनेक्शन। तो हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए, क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म आ जाता है। दैट मीन्स पहले आपको अपना यूज़र अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका सैल्यूटेशन, जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप मिस्टर लगाते हो, मिसेस लगाते हो, मिस लगाते हो, डॉक्टर, प्रोफेसर एंड श्री, कुछ भी आप कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना यहाँ से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ यहाँ से आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सिंपल रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है। तो आप फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर आपको मिस्टर मिसेस कुछ भी आप जो हो वो सेलेक्ट करो। उसके बाद अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, अपना वैलिड मोबाइल नंबर, उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करो। ये सारे होने के बाद आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। जब आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर साइन इन के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने पहले से कर रखा है, मैं यहाँ सिंपली देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़र आईडी अपना डालना है और अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ठीक है, डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपना साइन इन के बटन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है। तो देखिए यहाँ तक का प्रोसेस आप समझ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हो न्यू कनेक्शन, इस पर हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। पहला है LT सर्विस, दूसरा है HEST सर्विस, कनेक्शन स्टेटस। अब LT HT क्या है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से हेल्प के बटन पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि HT क्या है। LT के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो LT क्या है। LT मतलब होता है लो टेंशन, मतलब आप जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए होते हो या फिर छोटा मोटा जो बिजनेस है उसके लिए अगर जो होता है, जिसमें आपका कम आपका खपत है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आपका अगर कम है 18 किलोवाट या कितना तक होता है, मतलब अब जो हाउस होल्ड 1 KV 2 KV जो होता है आपका, अगर वैसा है तो आप LT करो। और आपका अगर कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप करना है तो आप यहाँ पर HT आपको सेलेक्ट करना है। तो हमें सिंपल किसी घर के लिए या फिर किसी छोटा दुकान के लिए अगर करना है तो हम यहाँ से LT सर्विस को सेलेक्ट करते हैं। LT सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म यहाँ पर खुल जाता है। तो जैसे ही आपके सामने कुछ इस टाइप से फॉर्म खुल जाता है आपको क्या करना है, आप पहले देख लो फॉर्म को क्या कैसा है, क्या क्या फिल करना है, सारी चीज यहाँ पर आप देख लो।
देखने बाद आप देखो यहाँ पर आपको नेम डालना है। अगर आपका जो यूज़र आईडी जिस नाम से आप क्रिएट करो किए हो अगर वो डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिंपली वो डाल दो, मतलब तो ये ऑलरेडी वहाँ पर लिया हुआ है। अगर कोई नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नाम चेंज भी कर सकते हो, आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड नेम है वो आप यहाँ पर डालो, मेल फीमेल यहाँ से आप सेलेक्ट करके डालो, अपने पिता का या फिर अगर कोई लेडीज़ हैं अपने हस्बैंड का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हो। अब यहाँ पर है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब वो एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो जहाँ से आपको कम्युनिकेट किया जा सकता है, जहाँ पर जाके आपसे मिल मिल सकता है कोई, या फिर कोई पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपको कोई पोस्टल पार्सल वगैरह भेजा जा सकता है, वैसा एड्रेस को आप यहाँ पर देना है। पहला चीज़ आपको हाउस नंबर देना है, प्लॉट नंबर या प्रीमिसेस, ये सारा चीज़ आप कुछ भी एक डाल दो यहाँ पर जो आपका है। स्ट्रीट नंबर आपका है अगर तो स्ट्रीट नंबर डाल दो, अगर उस स्ट्रीट का नेम है तो वो डाल दो, आपका कौन सा एरिया कौन सा कॉलोनी में पड़ता है वो आप यहाँ पर सिंपल डाल दो, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो जहाँ से भी आप हो, आपका पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका ईमेल आईडी पहले भी दिया हुआ था वही सेलेक्ट यहाँ पर किया हुआ, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, आधार नंबर आपका क्या है वो आपको डालना यहाँ पर मस्ट है, और आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये सारा डालने के बाद अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब जो ऊपर डाले और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहते हो दोनों अगर सेम है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दो, चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दो, आपको सारा ऊपर का एड्रेस नीचे आ जाएगा और जितने सारे बॉक्स एम्प्टी आपको दिखते हैं वहाँ पर जो आपका डिमांड किया जा रहा है वो चीज़ आप फिलअप कर दो। जैसे आपका हाउस नंबर ऊपर वाला आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर ऊपर आ जाएगा, एरिया भी ऊपर का आ जाएगा। अब इंडिकेटेड लैंडमार्क्स टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, अगल बगल का कोई एक चीज़ जिसको देख के पहचान में आ सकता है आप यहाँ पर डाल दो, ये आप डाल दो। अगर ये नहीं है आपका सेम एड्रेस जो कम्युनिकेशन एड्रेस और जिस पर इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहते दोनों अलग है तो आप इसको अनचेक कर दो और सारा डिटेल्स यहाँ से फिर से आपको डालना पड़ेगा, ये जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आप लेना चाहते हो उसका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नेम क्या है, एरिया कौन सा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कौन सा लैंडमार्क है आपको अगल बगल का क्या आपको तो देख के पहचान में आ सकता है, आपका जमीन जिस जमीन पे आपका घर है जहाँ आप कनेक्शन ले रहे हो उसका प्लॉट नंबर आपको क्या है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, प्लॉट नंबर डाल दो। अब आपको खाता नंबर डालना पड़ेगा, मतलब आपका जो मेन होता है, देखिए आपका जैसे होता है झारखंड में जमाबंदी टाइप से चीज़ होता है तो आपका जमाबंदी नंबर क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं खाता नंबर, आपको अगर नहीं पता है तो आप झारखंड का वेबसाइट जो jharbhoomi.nic.in है आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कौन सा है, या फिर आप जिसे ज़मीन खरीदे हो आप उनसे ही पता लगा सकते हो आपका लोकेलिटी क्या पड़ता है, अर्बन या फिर रूरल। ये सारा चीज़ करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा डिटेल्स आपको फिलअप करने के लिए बोला जाता है। जैसे देखिए आपका प्लॉट का साइज क्या है स्क्वायर फीट में, तो आप पता कर लो कि आपको कितना स्क्वायर फीट है और आपका पूरा प्लॉट की कितना है वो यहाँ डालना है, और आपका कितना में आपका दुकान है या फिर कितना में आपका घर है वो एरिया आपको यहाँ पर डालना है, सारा चीज यहाँ पर डाल दो। इसके बाद आपका कैटेगरी ऑफ सप्लाई डोमेस्टिक होगा नॉन डोमेस्टिक होगा, IS LTIS ये सारी चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो आप हेल्प सेक्शन में जाके आप पता लगा सकते हो। देखिए डोमेस्टिक हो गया आपका जो घर के लिए है, NDS मतलब नॉन डोमेस्टिक, तो आपको अगर घर के लिए लेना है तो आप डोमेस्टिक सेलेक्ट करो। अब आपको सब कैटेगरी भी सेलेक्ट, DS1A DS1 DS2 ये सारे चीज़ क्या है अगर नहीं पता तो आप सिंपली हेल्प के बटन पर क्लिक करो और यहाँ से देख लो आपको सारी चीज।
सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है आपका रिक्वायर के अनुसार। आपको अगर नहीं पता है तो आप हेल्प के बटन पे आप क्लिक करो और आप देख लो कि आपका वो कौन सा लेना है और उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लो। अब आपको टाइप ऑफ प्रेमिसेस या आपको क्या है, आपका घर है या फिर आपका दुकान है, जो भी है आप उसे सेलेक्ट करो। आप घर के लिए ले रहे हो, इंडिविजुअल हाउस या शॉप के लिए, तो आप इसे सेलेक्ट करो। अब पर्पज़ ऑफ सप्लाई, अब किस काम के लिए आप ले रहे हो, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई दुकान है या फिर घर के लिए आप ले रहे हो तो आप सेलेक्ट कर लो सिंपली जो भी आपका। आप सारा ऑप्शन यहाँ पर देख लो और यहाँ से सेलेक्ट कर लो आप। जैसे मुझे दुकान के लिए चलना है करना है तो शॉप स्मॉल शॉप से मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब आपको कितना लोड चाहिए, ये आपको किलो वाट में डालना है। दैट मीन्स आपको अगर 1 KV चाहिए तो 1 डालेंगे, 2 चाहिए तो 2 डालेंगे, ठीक है। जैसे मुझे 1 KV चाहिए, 1 KW चाहिए, तो मैंने 1 यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको टेम्प्रोरी चाहिए या फिर परमानेंट चाहिए, ये भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। मुझे परमानेंट चाहिए तो मैं यहाँ से परमानेंट कर लेता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, नीचे दोनों में नो किया हुआ है। मेरी मानो आप नो ही रहने दो इसको, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पढ़ के देख लो, अगर आपको लगता है कि आपको यस करना है, आपके कंडीशन ऐसे अप्लाई होता है तो आप यस कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है, कौन से एरिया में आपका पड़ता है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई होता है, एरिया बोर्ड कौन सा है, सर्कल कौन सा है, फिर आपका डिवीज़न कौन सा है, फिर आपका सब डिवीज़न कौन सा है। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक नया पेज खुलेगा। मैं सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। अब जेपीजी फॉर्मेट में डाल सकते हो, पीएनजी में डाल सकते हो, ये सारे फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। फोटोग्राफ को आप सेलेक्ट कर लो, ये वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ डालना पड़ेगा, तो आईडी प्रूफ के लिए आप वोटर आईडी डाल सकते हो, पासपोर्ट डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, राशन कार्ड का जरा मतलब राशन कार्ड का स्कैन कॉपी दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, ये सारा चीज़ दे सकते हो। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो उस फाइल को और यहाँ पर आप अपलोड कर दो। ये सेकेंड हो गया। अब तीसरे में आता है आपका ज़मीन का, आपके पास क्या कागजात है। अब देख लो, अगर आपके पास कोई सेल डीड है, लीज डीड है, तो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करो। अगर आपका पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है आपके पास तो ये सेलेक्ट करो। म्यूनसिपल म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट अगर है आपके पास तो ये सेलेक्ट करो। जो भी है आपके पास उस हिसाब से सेलेक्ट करो और यहाँ से वो उसका स्कैन कॉपी आप सेलेक्ट करो और यहाँ पर अपलोड कर दो। और आपका करंट एड्रेस का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए आप इतने सारे चीज़ यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो। जितने सारे ऑप्शन है आप चूज़ करो और यहाँ से चूज़ फाइल करके अपलोड कर दो। और एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो और वो डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पर अपलोड कर दो। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। आता है आप इस चीज को पढ़ लो, अगर आपका कोई ड्यूज वगैरह बाकी है तो आप यस कर सकते हो, वरना आप सिंपल यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा डिक्लेरेशन है जिसमें ये सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ। आप इसे सिंपली अच्छे से पढ़ लो कि यहाँ पर क्या-क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप देखो आपके सामने यहाँ पर सारा डिटेल्स खुल चुका है, क्या क्या आपने फिलअप किया, आप सारा डेटा एक बार चेक कर लो सारा चीज सही है कि नहीं है। आपका A to Z डाटा आप यहाँ से चेक कर लो, अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप यहाँ से फिर से सेलेक्ट
क्लिक कर सकते हो, वरना आप सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाता है, तो आप इसे सिंपली एक बार आप प्रिंट कर लो, आपके अपने काम ये फ्यूचर में आपको काम देगा, इसीलिए आप सिंपली यहाँ से इसे प्रिंट कर लो। यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका हर चीज़ यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, तो आप सिंपली इसे एक बार प्रिंट कर लो। चलिए हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं इसे। क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आपका इनिशियल डिमांड आ जाएगा, जो आपको कितना पैसा देना है। नॉर्मली आपको डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए यहाँ पर 1100 कुछ रुपए यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, और अगर आपका नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है तो आपको फिर 5000 से ऊपर का अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना रहता है। तो आप सिंपली यहाँ पर आप पे नाउ पे क्लिक कर सकते हो, और इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। और ये पेमेंट आप सक्सेसफुली करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट तो आप रिसिप्ट तो आपने वो प्रिंट कर ही लिया, साथ ही साथ इसे पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप इसे पूरा पैसा को सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद आप रिसिप्ट यहाँ से जनरेट कर लो, प्रिंट कर लो, और ये रिसिप्ट अपने पास रखो। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये एप्लीकेशन फिर जाएगा आपके उन ऑफिसर्स के पास पास जो इसे अप्रूव करते हैं, फिर आपके घर पे वो लोग चेक करने के लिए आएंगे कि आपका सारा चीज़ सही है या नहीं है। कैसे पेमेंट करना है ये शायद आपको पता है, आपका जो भी कार्ड है आप सेलेक्ट करो यहाँ से, और उन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करो, फिर आप पे नाउ पे क्लिक करो, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे फिलअप करो, फिर आपका पैसा कट जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा था कि वो लोग इंस्पेक्ट करने आपके घर पे आते हैं कि आपका सारा डिटेल सही है या नहीं है, और फिर आपको अप्रूव करते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, और आपका अगर हर डिटेल सही रहता है तो फिर आपको सक्सेसफुली कनेक्शन मिल जाता है, आपका कंज्यूमर नंबर आपको मिल जाता है, और आप साथ ही साथ आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज जाएगा, और उसे भी आप रखो ताकि फ्यूचर में आपके काम दे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कर सकते हो अपने घर बैठे, आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत है, जो लोग कि एक्स्ट्रा पैसा खा लेते हैं जितना कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो अपना पैसा बचाओ, अपने घर से कनेक्शन कर लो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे करना है घर बैठे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और लाइक इसे ज़रूर दें ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़े, हम फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते ही रहें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे, और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।